हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं जापानीज एसयूवी के सामने जिसका नाम है होंडा एचआरवी। 1999 में लॉन्च हुई थी और ये 2020 का सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में आती है। रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 22 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की कीमत है 26 लाख रुपीस। और ये टॉप मॉडल आरएस आप देख रहे हैं। इस साल अक्टूबर में लॉन्च कर सकती है होंडा एचआरवी को इंडिया में। मानाबू कोनाका ने डिज़ाइन किया है एचआरवी को। एचआरवी का फुल फॉर्म है हाई राइडर रेवोल्यूशनरी व्हीकल। होंडा वेजल और एक्सआरवी भी कहा जाता है एचआरवी को कुछ कंट्रीज में। होंडा जैज और डब्ल्यूआरवी के प्लेटफॉर्म पर बनी है एचआरवी। ये टॉप मॉडल आरएस वेरिएंट में स्पोर्ट किट मिलेगी। और ये एलईडी फॉग लाइट, स्पोर्ट टाइप फ्रंट ग्रिल, होंडा का लोगो, और ये है एलईडी ऑटो हेडलाइट डीआरएल के साथ, वाइपर्स, सनरूफ है, शार्क फिन एंटेना है, स्टाइलिश हैंडल बार, पावर एडजस्टेबल, पावर रिट्रैक्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं साइड इंडिकेटर के साथ, होंडा लेन वॉच कैमरा है साइड व्यू के लिए, 4.3 मीटर लेंथ है, 1.6 मीटर हाइट है, 5.8 मीटर टर्निंग रेडियस है, 170 mm ग्राउंड क्लीयरेंस है और लगभग 1300 kg कर्ब वेट है होंडा एचआरवी का। और ये हैं 17 इंच के अलॉय व्हील, 18 इंच के अलॉय का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। और ये रियर डिस्क ब्रेक्स, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर वाइपर, होंडा का लोगो, और ये है एलईडी टेल लाइट, एचआरवी की बैजिंग, टॉप मॉडल आरएस की बैजिंग, आई वी टेक इंजन की बैजिंग। ये ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे और रेड कलर का भी ऑप्शन आता है। हाइब्रिड मॉडल भी आता है होंडा एचआरवी का। आगे मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे टॉर्जियन बीम सस्पेंशन मिलेंगे। और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में असेंबली होती है एचआरवी की। सेफ्टी के लिए एशियन एनकैप, एनएचटीएसए और यूरो एनकैप ने 5 में से 5 स्टार्स दिए हैं एचआरवी को। 27% अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी है एचआरवी की बॉडी। इंपैक्ट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए होंडा जीकॉन बॉडी है एचआरवी की। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ऑटोमेटिक ब्रेक होल्ड, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, रियर व्यू कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म और इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स मिलेंगे। काफ़ी फेमस एसयूवी है होंडा की एचआरवी। और ये हेडलाइट्स सब ऑन हो गई हैं। और ये टेल लाइट्स भी अब ऑन है। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 437 लीटर की बूट स्पेस। रियर सीट्स फोल्ड करने पर 1032 लीटर की स्पेस बन जाएगी। साइड में लाइट है। यहाँ थोड़ी स्पेस। मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा डोर। स्पोर्टी रियर डोर हैंडल्स हैं। 4 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा एचआरवी में।
रेड लेदर फिनिश, थोड़ी स्पेस, पावर विंडो का बटन, नीचे स्पीकर, बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस है। और ये है रेड लेदर अपॉल्स्ट्री, ब्लैक लेदर और हाफ लेदर अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है। तीन हेडरेस्ट हैं, स्टाइलिश अपॉल्स्ट्री, और ये प्लेन आर्म रेस्ट है, ये ओपन नहीं हो रहा है। सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, सनरूफ है, नीचे काफ़ी स्पेस दी गई है। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे भी रेड लेदर फिनिश है, रीडिंग लाइट, आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर है, बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस है, रेड लेदर फिनिश है। और ये पावर विंडो के बटन्स, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, ORVM के कंट्रोल, एट वे पावर एडजस्टेबल मिलेगी ड्राइवर सीट, अल्ट्रा सीट्स, और ये है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, और ये स्पोर्ट पेडल्स, ये बोनेट और फ्यूल लाइट खोलने का लीवर, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, इकोन का बटन, सीट को पीछे कर लेते हैं। आर्मरेस्ट के अंदर भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस दी गई है। और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड का बटन, और ये है कंटिन्यूसली वेरिएबल CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, कार ऑन कर लेते हैं। और ये है ऑटोमेटिक AC, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। और ये है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा HDMI, USB, हैंड्स फ्री टेलीफोन, रेडियो और FM। फोन लिंक, ब्लूटूथ ऑडियो, स्टाइलिश AC वेंट हैं डैशबोर्ड पे, शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, और ग्लोव बॉक्स, काफ़ी स्पेस, पैसेंजर साइड 180 मिरर मिलेगा, डे नाइट रियर व्यू मिरर, सनरूफ ओपन कर लेते हैं, दो रीडिंग लाइट्स हैं यहाँ पे, ड्राइवर साइड 180 मिरर, पैनारोमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ है वन टच ऑन ऑफ सिस्टम के साथ। और ये है लेदर 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं, फोन के कंट्रोल, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, ये क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, लाइट के कंट्रोल्स, ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं। और ये है एडवांस्ड मल्टी इन्फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन मीटर, जो दिखाएगा RPM, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीड, टाइम, फ्यूल लेवल का इन्फॉर्मेशन। आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज रेंज, एवरेज स्पीड, ये FM, फोन,
पैनारोमिक सनरूफ। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 1800 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर 16 वॉल्व SOHC iVTEC होंडा R18 Z9 पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन PGMFI के साथ। 140 हॉर्स पावर है, 172 Nm टॉर्क है और 14 का एवरेज मिलेगा 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। हाइब्रिड में 1500 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन आएगा, उसकी होगी 150 हॉर्स पावर और 190 Nm टॉर्क। तो ये था होंडा आर पेट्रोल इंजन और ये लेन वॉच कैमरा का बटन, इसको क्लिक करते ही साइड मिरर्स का व्यू इंफोटेनमेंट में आएगा। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ नीचे काफ़ी स्पेस दी गई है, 12 वोल्ट का पोर्ट है, ये ब्लैंक पोर्ट, HDMI का पोर्ट और साइड में USB पोर्ट दिया गया है। काफ़ी अट्रैक्टिव इंटीरियर है HRV का।